कि यहाँ पर ये बॉम्ब रखे जाते हैं और पिस्तौल रखी जाती है। ये थोड़ा समुद्र से हट के बीच में रखा है। ये देखिए किस तरह से ये आइस रखी हुई है, इसके अंदर आइस रख के यहाँ से सप्लाई किए जा रहा है। देखिए इसके थ्रू ये कपड़े के थ्रू बोट में जा रहा है और जो केबिन बनी हुई है उस केबिन के अंदर आइस डाली जा रही है क्योंकि उसके अंदर वो लोग फिश पकड़ कर लाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं आपका अपना हरीश मुंबईकर। आज मैं घुमाऊंगा आपको एक मुंबई में कोलाबा जगह का नाम है, वहाँ पर स्थित है ये बंदरगाह जिसको कहते हैं सॉसन डॉक, और ये फिश मार्केट के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना है। पिछली बार जब मैं कट ऑफ इंडिया गया था वहाँ शूट कर रहा था, वहाँ ये जॉन भैया मुझे मिले थे। इन्होंने मुझे कहा कि आप शूट कर रहे हैं तो आप मेरे साथ, अच्छा आप बताइए हमारी क्या बातें हुई थी। आप गेटवे पे शूट कर रहे थे तो मैंने बोला था कि मेरे साथ चलो, तो यहाँ पे सॉसन डॉक पे अच्छी जगह है, बोट वगैरह हैं, फिश वगैरह हैं, तो मैं इनके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। इनका कहना है यहाँ बहुत अर्ली मॉर्निंग है। कितने बजे तक इसे यहाँ चालू हो जाती है? सुबह 4 बजे से यहाँ चालू हो जाता है, अभी तो फिलहाल सब बंद है क्योंकि शाम हो गई है इसके लिए। अच्छा, इनका पाओगे तो सुबह सब फिश वगैरह बोट वगैरह सब आएंगी। अच्छा, तो सब काम धंधा करके अपने अपने घर चले गए हैं। ओके ओके, यहाँ ये सब पूरा मार्केट भरा रहता है? पूरा ये पूरा भरा रहता है। ये जो पीछे देखो मार्केट दिखाया, ये पूरा मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं होती, हजारों तादाद में यहाँ पर फिश मार्केट वाले बैठते हैं जो होलसेल से यहाँ से खरीद के लेकर जाकर फिर रिटेल मार्केट में जाके जहाँ भी फिश मार्केट है वहाँ बाजार में बिका जाता है। मेन जो बोट से माल उतरता है ये फिश का, वो यहीं पर उतरता है। बॉम्बे का मेन मार्केट है ये फिश मार्केट। यहाँ पर आसपास कोली लोगों के काफ़ी बड़े बड़े मोहल्ले हैं जहाँ ये लोग रहते हैं समुद्र के किनारे पर। देखिए बहुत बड़ा बंदरगाह है ये। मैं एक कॉर्नर पे हूँ एक्चुअली, इस तरह से काफ़ी दूर दूर तक है। मैं एक कॉर्नर पे जस्ट खड़ा होकर यहाँ पर सबको शूट करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो फिश आती है तो उनको फ्रीज करने के लिए ये बर्फ़ की गाड़ियाँ बनी हुई है इस तरह की। ये देखिए इसके अंदर पूरी आइस भरी जाती है उसमें, और ये देखिए ये आपको इसके बारे में नॉलेज देता हूँ। ज़रा देखिए जाली है, और ये जो प्लास्टिक के बॉल दिख रहे हैं आपको सामने, आपको नज़ीक से दिखाता हूँ। ये देखिए जाल जो डालते हैं पानी में हम, तो ये जाल पूरा बिछ जाता है, और ये जो प्लास्टिक के बॉल बने हुए हैं, जी हाँ, इससे ये जाली ऊपर रहती है, ये ऊपर रहती है ताकि हमको पता चल जाता है कि जाली कहाँ कहाँ पर डाली हुई है, क्योंकि जाली तो अंदर घुस जाती है समुद्र के अंदर फिश पकड़ने के लिए, और ये बाहर से ये दिखते हैं, इनसे इनका आइडिया लग जाता है कि हमारी किस एरिया में कितने तक ये जाल फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कितने बड़ी बड़ी जाल दिख रही है यहाँ पर, कुछ इसमें मिस्टेक हो रही है। देखिए रिपेयरिंग हो रही है जाल, क्योंकि ये ठीक कर रहे हैं। सुबह अगर कोई जाली फट गई है या कोई बॉल निकल गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये लोग अभी सुबह की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब कुछ बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? दूसरी बार सिलने के लिए। दूसरी बार सिलने के लिए? अच्छा, ये जाली वाली जो फट जाती है निकालते निकालते जाती इसलिए निकालते हैं। अच्छा अच्छा, उसके लिए। तो ये उनका कहना है कि ये जाली जो जाली फट जाती है उसको देखिए ये रिपेयरिंग कर रहे हैं। धागे वागे देखो, ये सब नायलॉन के धागे दिख रहे हैं आपको। ये देखिए इसके अंदर फिश भरा जाता है, ये जो सारे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारे केबिन है। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है और इस स्पेस के अंदर फीस भरी जाती है। इसके अंदर सारे फीस भरी हुई है, ये जो है इनके अंदर आइस डाल के रखते हैं ये लोग। ये देखिए समुद्र के ठीक बीचों बीच में एक ये मकान सा बनाया है, बगल में ही नेवी नगर है, तो नेवी लोगों के लिए जो
बॉम्ब और जो ये पिस्तौल गन वगैरह जो उनकी होती है जो नेवी लोग यूज़ करते हैं समुद्र के लिए, उसका ये गोडाउन है। यहाँ पर दारू खाना इसको बोलते हैं ये लोग की भाषा में, कि यहाँ पर ये बॉम्ब रखे जाते हैं और पिस्तौल रखी जाती है। ये थोड़ा समुद्र से हट के बीच में रखा है ताकि सेफ जगह पे ये रखा रहे और नेवी लोग इसको यूज़ करते हैं। उनका एक गोडाउन टाइप का ही समझ लीजिए आप, ये गोडाउन है उनका दारू खाना। ये बड़ी बड़ी ट्रक खड़ी है यहाँ पर, ये सब फिश के लिए है। यहाँ से दूसरी मार्केट में फिश ले जाती है। ये सब अंदर आइस के साथ पूरा फ्रीजर बना हुआ है। ये किस किस चीज़ के लिए यूज होती है? अरे मार्केट में जाती है, केरला मार्केट को। केरला? हाँ केरला, मतलब केरला जाता है, मद्रास जाता है। अरे बाप रे बाप, मुझे लगा कि सिर्फ मुंबई के लिए। नहीं, ओहो, इनका कहना है कि जो मुंबई की जो फिश मिलती है यहाँ पर, ये सब जगह नहीं मिलती। हर समुद्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की फिश मिलती है, तो जो बॉम्बे की जो क्वालिटी की स्पेशल फिश है हाँ, वो यहाँ से सप्लाई होती है केरला। कौन सी क्वालिटी की? 200 बॉक्स में आइस मारते हैं। एक ट्रक के अंदर 200 बॉक्स फिश के रखे जाते हैं और वो ये लोग सप्लाई करते हैं। सब केरला जाते हैं और कहीं भी जाते हैं? मद्रास जाता है। अच्छा, केरला मद्रास सब जगह फीस आती है जो मार्केट छोड़ना है। नहीं, मगर वो फीस यहाँ से क्यों जाती है? कुछ अलग फीस है क्या ये? अलग फीस नहीं है, इधर रेट कम में मिलेगा, इधर रेट ज्यादा है। और यही फीस सेम केरला में मिलती है? नहीं, इधर से कम के लेके गए, इधर कुछ ज्यादा के देता है, ऐसा है। अच्छा, यहाँ बड़ा मार्केट के होने के कारण यहाँ इन लोग फीस सस्ती देते हैं। अगर केरला में ये लोग पकड़ते हैं तो शायद ये मछलियाँ इतनी नहीं मिलती, इसलिए वहाँ उनका रेट महंगा है, तो यहाँ से ये लोग ट्रांसपोर्ट करके वहाँ ले जाते हैं और वहाँ जाके बेचते हैं ताकि उन लोगों को थोड़ी सस्ती फीस मिले। मुंबई में इनका कहना है कि मुंबई में फीस काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो वो यहाँ पर सस्ती होती है और यहाँ से होलसेल सप्लाई की जाती है ऑल इंडिया में। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब मैं सुबह के फिश मार्केट में पहुँच चुका हूँ सोशन डाक पर। कल मैं शाम को आया था और अभी सुबह देखिए आप सुबह का नज़ारा। अभी भी थोड़ा लेट हो गया, मैं सुबह 12 बजे आया हूँ। एक्चुअली सुबह 1 बजे तक मार्केट फिनिश हो जाता है, मगर किसी कारण से मैं मॉर्निंग में नहीं आ सका, अभी आया हूँ। आपको दिख रहा है मार्केट, कल ये पूरा खाली पड़ा था। आज भी जॉन मेरे साथ हेल्प करने के लिए आया है। हाय। और जॉन का फ्रेंड हसन जी, आपका नाम हसन है ना? हसन, हाँ। ये भी यहाँ फीस ही बेचते हैं, इनका काम यही है। तो मैंने इनसे जॉन से ये कहा कि मुझे फीस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये मुझे जानकारी देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। हाँ, देखते आगे, बताइए जरा मुझे। ये देखिए, ये फीस को स्पीड बोलते हैं और मराठी में बोलते हैं यहाँ माकुल। हिंदी का तो मुझे पता नहीं, इनको भी पता नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब मराठी हैं, तो इनको इंग्लिश का वर्ड ही पता है कि इसको स्पीड बोलते हैं। देखिए ये देखिए, इस फिश को बांगड़ा बोलते हैं, जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा दिख रही है मुझे। ये देखिए आपका शाम का नज़ारा था और सुबह का नज़ारा देखिए। होलसेलर आते हैं इस तरह से और ख़रीदते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये वेट मशीन है, वजन की तादाद से ये काउंटर पे बैठे हुए, यहाँ वेट मशीन लगी हुई है। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी फीस है। मुझे इसका नाम पता नहीं है भैया, क्या इसका नाम क्या भाई? सिंगाड़ा। इस फीस को सिंगाड़ा बोलते हैं। देखिए देखिए, अच्छा इसको बोलते हैं कैट फिश। देखिए आप, मुझे फीस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। मराठी में बांगड़ा बोलते हैं कुछ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब? इंग्लिश में इसको, हिंदी में सिंगाड़ा बोलते हैं इसको। अच्छा, हिंदी में सिंगाड़ा बोलते हो, और इंग्लिश में कैट फिश। अच्छा, और इसको इंग्लिश में कैट फिश बोलते हैं और हिंदी में सिंगाड़ा बोलते हैं। देखिए बांगड़ा, शायद आपको ये इनका बोलना, ये बांगड़ा फिश है। ये यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी फिश पाई जाती है? अच्छा, इनका कहना है कि यहाँ सभी क्वालिटी की फिश आती है यहाँ पर। भाई साहब इसको क्या बोलते हैं? हलवा, हलवा। अच्छा, इनका कहना है, देखो ये फीस का नाम है हलवा। हलवा तो मैंने बहुत बार सुना है कि हम लोग हलवा खाते हैं, सूजी का हलवा खाते हैं, बादाम का हलवा खाते हैं, मगर मुझे नहीं पता था कि फीस का नाम भी हलवा है। जो हम हलवा खाते हैं वही हलवा फीस का नाम भी है। आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। पासपोर्ट बोलते हैं इसको। पासपोर्ट? क्या बात है, पासपोर्ट बोलते हैं इस फीस का नाम, पासपोर्ट है। इसको चांद बोलते, चांद ऊपर का चांद है ना, चांद। हाँ, ये मच्छी का। अच्छा, देखिए चांद का सेब का है। हाँ, मैं जरा पकड़ू। हाँ, अब पहली बार फीस पकड़ रहा हूँ, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम फीस पकड़ रहा हूँ। देखिए इसको चांद बोलते हैं इसको। अच्छा, ओके, थैंक यू। इसका बोर्ड खाली बार देख सकते हैं आप।
ये देखिए किस तरह से खाली हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। इसके अंदर स्टोर्स किया जाता है, ये जो केबिन बने हुए हैं, कल जैसे रात को आपको दिखाया था जब खाली थी, अभी देखिए भरे हुए हैं। इसके अंदर से ये आइस डाली हुई है और जो फिश पकड़ पकड़ के वहाँ से लाते हैं उसको अंदर स्टोर किया जाता है और फिर यहाँ से निकल के अभी मार्केट में देखिए, वहाँ से निकाल के ये देखिए आप देख रहे हैं, वहाँ से निकाल निकाल के खाली किया जा रहा है, यहाँ टैंक में भरा जा रहा है। अब ये बोट में सेफ ये लोग फिश पकड़ के आ चुके हैं, तो ये जो नेट है, नेट की घड़ी हो रही है, देखिए आप दिख रहा है, ये निकल रहा है। हाँ जी, जो ये लोग नेट ले गए थे जो बोट के सीप के अंदर, या ये जो भी बोट कहूँ फेरी कहूँ जो भी कहूँ, वहाँ से जब लौट के आते हैं तो इसको घड़ी कर रहे हैं बाकायदा, देखिए देखिए प्रॉपर घड़ी कर रहे हैं। और एक घड़ी करने के लिए भी करीबन कितने सारे लोग हैं, देखो एक जाल के लिए शायद मेरे ख्याल से 10 आदमी खड़े हुए हैं, इतनी बड़ी जाल है ये कि 10 आदमी लोग मिलके इसमें घड़ी करने के लिए लगे हुए हैं। देखिए सारे लोग ये देखिए किस तरह से ये आइस रखी हुई है, इसके अंदर आइस रख के यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, देखिए इसके थ्रू ये कपड़े के थ्रू बोट में जा रहा है और जो केबिन बनी हुई है उस केबिन के अंदर आइस डाली जा रही है, क्योंकि उसके अंदर वो लोग फ्रीज पकड़ कर लाएंगे और फ्रीज फेस रहे। देखिए ये कैरेट में भर भर कर फीस रखी जाती है, इसको स्टोरेज किया जाता है आइस पे, आप देख रहे हैं ये सारे स्टोर किए जाते हैं आइस में और ये ट्रक में भरे जा रहे हैं। ट्रक में भरने के कारण ये कल जैसे कि हमने बात की थी कि केरला और इंडिया में पूरी जगह सप्लाई होते हैं, अब ये ट्रक कहाँ जा रही है भाई साहब आपकी? केरला। हाँ देखिए ये भी इनकी ये ट्रक भी केरला जा रही है, देख रहे हैं आप किस तरह से फीस निकाल रहे हैं। जो केबिन बनी थी बोट के अंदर उसमें से निकाल निकाल के देखिए वो सप्लाई कर रहा है, वो वहाँ से उसको दे रहा है, वो वहाँ से इसको दे रहा है, यहाँ से देखिए टोकरी के द्वारा यहाँ भरी जा रही है। जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये बॉक्सेस में भर रहे हैं, अब इसको आगे ले जाएंगे, आइस डालेंगे इसमें, इसको स्टोर करेंगे। ये देखिए ऑलरेडी बॉक्स में आइस रखी हुई है, आइस के साथ इसको स्टोर कर रहे हैं ये लोग। देखो कौन सा ये चांद है, हलवा हलवा हलवा। ये देखिए ये पीस का नाम पापलेट, पापलेट बोलूँ? हाँ। अच्छा ये फेमस है, ये पापलेट है और इसको हलवा भी बोला जाता है बम्बैया भाषा में। चलो ये क्या लाए थैली में, क्या लिया है तुम? फिश लेके आया हूँ। आपने फिश खरीदी? हाँ। क्या बात है, ये देखिए क्या नाम है इसका, ये बांगड़ा फ्राई। अच्छा जॉन ने अपने लिए बांगड़ा फिश लिए है उसके घर के लिए, कितने की है ये? तो मेरे फ्रेंड ने दिया मुझे। अच्छा इनके फ्रेंड कोई पहचान वाले थे, क्योंकि इसी इलाके के हैं तो इनका कहना है मेरे फ्रेंड ने मुझे फ्री दी है, कि जो कि मैंने उनकी यूट्यूब पे शूट की थी तो इन्होंने खुश होकर इन्होंने बोला कि अभी जॉन तू यूट्यूबर को मेरे वहाँ लेकर आया तो मेरी तरफ से फीस भी लेके जा और घर पे खाना। चलिए बढ़िया। तो दोस्तों कैसी रही हमारी आज की सुसन डॉग की जर्नी? जी हाँ, गुलाबा स्थित सुसन डॉग आपको दिखाया मैंने आपको, होप आपको कुछ नया और अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया हो। जय हिंद जय भारत, आपका अपना हरीश मुंबईकर।